कहानी की शुरुआत में हमें हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर यानी कि नील दिखाया जाता है। नील के साथ उसका बॉयफ्रेंड जे भी था। वैसे तो दोनों बॉयफ्रेंड्स थे, पर नील को कुछ टाइम से लग रहा था कि जे उससे काफ़ी दूरी बनाए रहता है और अक्सर अपने फ़ोन में लगा रहता है। नील जे से पूछता है, तुम अपने फ़ोन में क्यों इतना बिजी रहते हो? पर जे उससे कह देता है, मैं एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। जे जब अपने रूम में चला जाता है तो नील को एक अननोन नंबर से कॉल रिसीव होता है, जो कि एक लड़की का कॉल था, जो नील से कह रही थी, जे तुम्हारे साथ है ना? मैं तुम्हारे साथ अपना बॉयफ्रेंड शेयर कर रही हूँ, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड वापस करो। नील को विश्वास ही नहीं होता और वो उस लड़की से कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वो लड़की कहती है, मैं जे से तुम्हारा ब्रेकअप करवा कर रहूंगी, बस तुम देखते जाओ। कॉल कट होते ही नील सबसे पहले अपने दोस्तों को मैसेज करता है। वो अपने दोस्त पे और चाओ चौम को बताता है कि एक लड़की ने अभी कुछ सेकंड पहले उसे कॉल किया और उसे बताया कि जे उसका बॉयफ्रेंड है। चाओ चौम कहती है, क्या पता वो लड़की झूठ कह रही हो। वहीं पे कहता है, अगर ये बात सच है तो इसका मतलब जे तुम्हें चीट कर रहा है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, पर इस बात को कन्फर्म करने के लिए हमें पता लगाना होगा। नील कहता है, ठीक है, मैं जे को उसके रूम तक फॉलो करूंगा। तभी जे वहां आ जाता है और नील से पूछता है, तुम क्या कर रहे थे? नील कहता है, मैं चाओ चौम और पे से बातें कर रहा था, मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा। और जैसा कि उसने कहा था, वो जे को उसकी रूम तक फॉलो करता है और जे के रूम में सच में वो लड़की थी। वो लड़की नील को देखकर कहती है, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए। नील उसे इग्नोर करता हुआ सीधा जे के पास जे के रूम तक जाने लगता है। जे नील को देखकर कहता है, तुमने मुझे यहाँ तक फॉलो क्यों किया? नील कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर सकते थे ना, चीट करने की क्या जरूरत थी? जे कहता है, मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। हमारे रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, मेरी फीलिंग्स तुम्हारी वजह से ही बदली है नील। नील कहता है, अगर तुम्हें मैं बुरा लगने लगा था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मेरे साथ शेयर करना चाहिए था। जी कहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा अकेले जाता हूँ, तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ रहना पसंद नहीं, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है हमेशा मुझे आखिरी में पता चलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ नील। नील कहता है, मुझे भी तो तुम्हारे बारे में हमेशा लास्ट में पता चलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ अकेले जाने देता हूँ जिससे तुम उनके साथ समय बिता सको, तुम जितना लेट चाहे उतना लेट आते हो, मैंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता था कि तुम ये इंजॉय कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ये झूठ है। जे कहता है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो नील कहता है, तो तुम्हें ब्रेकअप चाहिए, ठीक है, हमारे बीच अब कुछ नहीं है। ऐसा कहकर नील वहां से चला जाता है। नील एक बार में आता है और ड्रिंक करने लगता है। उसके दिमाग में बार बार जे चल रहा था, जे उसका बहुत ख्याल रखता था, वो जे ही था जिसने नील को पहले प्रपोज किया था। नील उसके साथ बहुत खुश था। नील का फ्रेंड पे उससे कहता है, तुमने उस लड़की को सच में जे के रूप में देखा? तो जे ने इस बात पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। नील कहता है, उसने कहा कि मुझे कभी भी उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं रही, इसलिए उसने मुझे धोखा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और ऐसा क्या करता जिससे मैं उसे खुश रख सकता। चाओ चौम कहती है, वो एक चीटर है, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, वो बस बहाने बना रहा है। चाओ चौम उस बार में काम करती थी तो वो चली जाती है। नील अभी भी ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रहा था तो पे उससे कहता है, अल्कोहल की वजह से तुम उसे भूल तो नहीं पाओगे ना, पीना बंद करो। नील कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसने खुद मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे प्रपोज किया था और उसने ही मुझे धोखा दिया। पे कहता है, उस बास्टर्ड के बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम उससे भी ज़्यादा अच्छा बॉयफ्रेंड डिजर्व करते हो, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। पे के जाने के बाद हमें हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर यानी हिम दिखाया जाता है, जो वही बार में बैठा हुआ था और नील की सारी बातें सुन रहा था। वो उठकर नील के पास आकर कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ले सकता हूँ? मैंने तुम्हारी बातें सुनी और मुझे पता चला कि तुम्हें अभी डंप किया गया है। नील उससे कहता है, तुम तो बहुत रूड हो, किसी से इस तरह नहीं कहना चाहिए। हिम कहता है, मैं तुम्हें चेयरअप करना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। नील उससे कहता है, कोशिश करते रहो, और वहां से उठकर चला जाता है। हिम की नजरों में अब नील बस चुका था। अगले दिन भी वो सिर्फ उसी के बारे में सोचे जा रहा था। उसका फ्रेंड चाओ भी ये नोटिस कर लेता है और उससे कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या सोच रहे हो? हिम कहता है, शायद मुझे कोई मिल गया है। चाओ कहता है, इसका मतलब तुम्हें कोई पसंद आ गया है? हिम कहता है, हाँ। चाओ कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसका नाम क्या है? हिम कहता है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा।
चाओ कहता है, ओके, क्या तुमने तेज से बातें की? जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ और दोनों फिर से दोस्ती कर लो। तभी उनका तीसरा फ्रेंड ड्रीम भी वहां आ जाता है और उनसे कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्लास से पहले मैं कुछ खाने जा रहा हूँ। चाओ कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, ते के आने का इंतजार करते हैं। तो ड्रीम कहता है, क्या ते ने तुम्हें नहीं बताया कि वो लेट हो जाएगा? उसका इंतजार मत करो, वो किसी क्लोदिंग ब्रांड के लिए मॉडलिंग करने के लिए गया हुआ है। ड्रीम के जाने के बाद चाओ हिम से पूछता है, क्या तुम अब ते के साथ मॉडलिंग नहीं करोगे? हिम कहता है, नहीं, मैं बिजी हूँ। चाओ कहता है, बिजी हो उस इंसान के बारे में सोचने में जिसका तुम नाम तक नहीं जानते? क्यों ना आज रात हम फ्लावर क्लब चलें, क्या पता तुम्हें उसका नाम पता चल जाए। हिम को यह आइडिया अच्छा लगता है और उस रात वो फ्लावर क्लब में पहुंच जाता है। उसकी नजरें नील को ही ढूंढ रही थी, पर नील वहां नहीं था। चाओ उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें वो एक दिन जरूर मिल जाएगा। ड्रीम कहता है, मैं भी उस लड़के को देखना चाहता हूँ, आखिरकार वो लड़का है कौन जिसने हिम की नींद चुरा ली है। तभी चाओ को वहाँ एक लड़की नजर आती है जो उसे काफी अच्छी लग रही थी। ड्रीम उससे कहता है, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा। चाओ उन दोस्तों में ते भी बैठा हुआ था, ते और हिम आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। तभी उनका एक फ्रेंड कहता है, क्यों ना हम लोग मिलकर एक गेम खेलें? हिम कहता है, मुझे कोई गेम नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ। चाओ कहता है, क्यों, अब तुम उस लड़के का इंतजार नहीं करोगे? ते पूछता है, कौन लड़का? तो चाओ कहता है, हिम ने मुझसे कहा कि उसे कोई लड़का पसंद आ गया है। हिम कहता है, चाओ अपना मुंह बंद रखो। चाओ कहता है, ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं, क्यों ना हम लोग गेम खेलें। पर हिम वहां से उठकर चला जाता है। हिम देखता है कि नील भी वहां आया हुआ था। हिम उसे देखकर कहता है, मुझे लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। नील कहता है, तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? हिम कहता है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम पर ट्राई मार सकता हूँ, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें जान सकता हूँ? नील कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे सिर्फ जानना चाहते हो, तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। हिम उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। नील तैयार हो जाता है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। उस रात जब नील अपने घर पहुंचता है तो जे उसका इंतजार कर रहा था। जे उससे कहता है, नील मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नील कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है, अपना सामान लो और यहाँ से चले जाओ। जे कहता है, नील मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मुझे बहुत पछतावा है, प्लीज एक बार मुझसे बात करो। नील कहता है, उस दिन तो तुम बहुत बोल्ड बन रहे थे, आज माफी क्यों मांग रहे हो? नील उसका सामान भी नीचे फेंक देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब नील अक्सर उस क्लब में जाने लगा था। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, वहां पर ज्यादा लोग नहीं होंगे, फिर भी आजकल तुम डेली क्लब जा रहे हो, वैसे इस बार हम नहीं आ पाएंगे। तो नील उनसे कहता है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही वहां चला जाऊंगा, मैं बस फन करना चाहता हूँ और इंजॉय करना चाहता हूँ। तो उसके दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ, क्या जे ने फिर से तुमसे कुछ कहा? नील कहता है, हाँ, पर अब वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, उसे लगता है कि वो मेरी लाइफ में जब चाहे आ सकता है और जब चाहे जा सकता है, पर मैं उसे बता दूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जे मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। फोन कट हो जाने के बाद नील अपने हाथ से जे की दी हुई रिंग उतारने की कोशिश करता है पर नहीं निकाल पाता। अब वो क्लब में जाकर हिम से मिलता है जो ऑलरेडी वहां बैठा हुआ था। नील उससे कहता है, क्या तुम अभी तक मुझसे थक नहीं गए हो? हिम कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें सच में जानना चाहता हूँ। नील कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कोई भी ऐसी ड्रिंक ऑर्डर कर पाए जो मुझे अच्छी लगी तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। हिम उससे पूछता है, कैसा इनाम? तो नील शेरी को सक करके दिखाता है। हिम समझ जाता है और वो नील के लिए ऐसी ड्रिंक ऑर्डर करता है जिसमें फायर लगी हुई थी। वो नील से कहता है, ये ड्रिंक तुम्हें सबसे ज्यादा सूट करती है क्योंकि इसे देखकर मुझे फायर से खेलने का मन करता है, जैसे तुम्हें देखकर करता है। नील ये सुनकर कहता है, मुझे ये ड्रिंक बहुत अच्छी लगी, इनाम के तौर पर मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम नील है। हिम कहता है, मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, क्या हम एक और गेम खेल सकते हैं? इस बार अगर मैं जीता तो आज रात तुम मेरे साथ चलोगे। नील ये सुनकर कहता है, मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद आया, मैं हार मानता हूँ, तुम जीते। ऐसा कहकर वो अपने दोनों हाथ आगे कर देता है। हिम उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम तक ले आता है जहाँ वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। दोनों के बीच एक हॉट सेशन होता है। अगली सुबह जब नील की आंखें खुलती हैं वो हिम की तरफ ही देखे जा रहा था। हिम उससे पूछता है, तुम जाग गए? नील कहता है, हाँ, क्या मुझे तुम्हारी शर्ट मिल सकती है? मुझे वही सेम शर्ट पहनना पसंद नहीं है। हिम कहता है, ठीक है, पर मेरी शर्ट के बदले में तुम्हें मुझे अपनी लाइन आईडी बतानी होगी।
नील कहता है, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना चाह रहे हो? तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारा इनाम मिल गया है तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। हिम कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी लाइन आईडी तभी यूज करूंगा जब मुझे तुम्हारे साथ फन करने का मन करेगा। तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नील कहता है, ठीक है। हिम कहता है, अगर तुम्हें मेरी शर्ट चाहिए तो तुम्हें उसे मुझे वापस करने के लिए भी आना होगा। नील कहता है, मैं डिलीवर कर दूंगा, मुझे आने की क्या ज़रूरत है। अब वो शावर के लिए चला जाता है और उसी रिंग की तरफ देखने लगता है जो उसकी एक्स बॉयफ्रेंड जे ने उसे पहनाई थी। वो उसे डस्टबिन में डाल देता है। तभी हिम भी वहाँ शर्ट लेकर आ जाता है। नील देखता है कि उसके गले पर निशान पड़ गए थे। वो हिम से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कंसीलर्स हैं? हिम कहता है, मेरे पास तो नहीं है, क्या मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लेकर आऊँ? नील कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बस जाने ही वाला था, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊँगा। हिम कहता है, क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ? नील कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। हिम कहता है, क्या तुम्हें कार ड्राइव करना आता है? तुम चाहो तो मेरी कार ले जा सकते हो। तो नील कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है कि तुम मुझे अपनी कार ले जाने दोगे? हिम कहता है, अगर तुम कहीं गायब हो भी जाओगे ना तो तुम्हें ढूंढ निकालना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। नील कहता है, कैसा रहेगा कि तुम मुझे मेरे रूम तक ले जाओ, वहां से तुम फिर मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए चलना। हिम कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, वैसे भी हम दोनों सेम कॉलेज में है ना? नील कहता है, वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, अब तुम जल्दी से जाओ, मुझे शावर लेने दो। हिम कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ शावर ले सकता हूँ? नील कहता है, बिल्कुल नहीं। कॉलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चार लड़कियाँ जा रही थी। वो एक बड़ी सी BMW को बाहर खड़ा होते हुए देखती हैं जिसमें से नील की एंट्री होती है। चारों लड़कियाँ सोचने लगती हैं, आखिरकार नील को यहाँ ड्रॉप करने के लिए कौन आया होगा? तभी एक लड़की कहती है, उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता क्योंकि उन दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है। एक लड़की कहती है, मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, आखिरकार उसे छोड़ने के लिए कौन आया होगा? तभी वहाँ पर पे और चाओ चौम पहुँच जाती है। चाओ चौम कहती है, मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। वो लड़कियाँ कहती हैं, तुम दोनों यहाँ कब आए और क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे? चाओ चौम कहती है, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हो कि कोई भी तुम्हारी आवाज़ सुन लेगा। पे कहता है, और तुम लोगों को जो क्यूरियोसिटी हो रही है उसे दूसरों के मैटर में टांग अड़ाना कहते हैं। तो वो लड़कियाँ कहती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमें तो बस नील की चिंता हो रही थी, आखिरकार वो हमारा दोस्त है, हम जानना चाहते थे कि उसे कौन ड्रॉप करने के लिए आया। तभी नील पीछे से आकर कहता है, थैंक यू सो मच मेरी इतनी परवाह करने के लिए। चाओ चौम पे और नील को अपने साथ लेकर चली जाती है। हिम अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था पर वो नील को ही मैसेज किए जा रहा था। वो नील को कॉल भी कर रहा था पर नील ने उसका फ़ोन पिक नहीं किया था। नील का फ़ोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था तो नील का दोस्त पे उससे कहता है, कोई तुम्हें कॉल कर रहा है, तुम उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा लेते? हिम उसे मैसेज करता है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, मैं आज रात तुम्हें फिर से मिलना चाहता हूँ। पे कहता है, तुम्हारा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, जल्दी से आंसर कर दो। नील हिम को मैसेज कर देता है, मैं इस बारे में सोचूंगा। पे कहता है, नील क्या मुझे तुम्हारे नोट्स मिल सकते हैं, मैं टाइम पर लिख नहीं पाया। तो नील उसे कहता है, तुम इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि तुम्हारा ध्यान मेरे फ़ोन पर था, चाओ चौम से नोट्स ले लो। क्लास के बाद चाओ चौम नील से पूछती है, नील तुम किसे मैसेज कर रहे हो? नील कहता है, कोई नहीं, बस एक फ्रेंड है, उसका नाम हिम है, हम दोनों कई बार मिल चुके हैं। चाओ चौम उससे पूछती है, क्या ये वही लड़का है जिसके साथ तुम लास्ट नाइट थे? पे कहता है, और वही जिसने अपनी BMW में तुम्हें यहाँ कॉलेज तक ड्रॉप किया। हमें खुशी है कि तुम अब मूव ऑन कर चुके हो और तुमने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया है। नील कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों आपस में केवल मजे कर रहे हैं, हम साथ साथ नहीं हैं। पे कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम दोनों साथ साथ नहीं हो? नील कहता है, हाँ पर इस बात पर तुम दोनों ऐसे फेसेस क्यों बना रहे हो? पे कहता है, नील तुम्हें इस तरीके की रिलेशनशिप से अच्छा फील नहीं होगा, तुम्हें किसी के साथ टाइम पास नहीं करना चाहिए। चाओ चौम भी कहती है, हाँ हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम्हें ऐसी रिलेशनशिप की क्या ज़रूरत पड़ गई? मुझे नहीं लगता कि जो तुम कर रहे हो वो सही है, इससे अच्छा तो तुम कोई नई रिलेशनशिप बना लो। नील कहता है, अब मैं कभी भी कोई रिलेशनशिप नहीं रखूँगा, इस वक्त जैसा चल रहा है मैं उसी से खुश हूँ। यहीं पर फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching. Bye-bye.